हाय एवरीवन वेलकम टू एलिक्सर एकेडमी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बी एड फर्स्ट ईयर पेपर थ्री लर्निंग एंड टीचिंग लेक्चर फोर इस वीडियो का सब्जेक्ट है रोल ऑफ स्कूल इन लर्निंग तो लर्निंग में स्कूल का क्या रोल है आइए इस पर चर्चा करते हैं डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ स्कूल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लर्निंग स्ट्रैटेजीज तो लर्निंग स्ट्रैटेजीज यानी लर्निंग को और बेहतर बनाने में स्कूल का क्या योगदान है चलिए इस पर बात करते हैं तो द रोल ऑफ स्कूल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज इज़ क्रूशियल फॉर द ओवरऑल एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी कि स्कूल का जो रोल है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्कूल सर्व एज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पॉर्टिंग नॉलेज स्किल्स एंड वैल्यूज टू लर्नर्स यानी कि स्कूल एक ऐसा जगह है एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर बच्चों को नॉलेज दिया जाता है उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है और बच्चों में इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ इनकुलट करी जाती है बच्चों को जो ज़रूरी बातें हैं वो सिखाई जाती हैं दे प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल सोशल इमोशनल एंड फिज़िकल ग्रोथ तो स्कूल्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं बच्चों के यानी स्टूडेंट्स के इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में बच्चों के सोशल ग्रोथ में इमोशनल और फिजिकल ग्रोथ में यानी कि बच्चों की बुद्धि उनकी सामाजिक जो व्यवहार करने की बात है वो और उनकी इमोशंस यानी भावनाएं और फिजिकल ग्रोथ यानी शारीरिक ग्रोथ इन सब को विकसित करने में स्कूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज स्कूल्स हैव स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस दैट सपोर्ट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन यानी खास तौर पर के सिखाने के क्रम में यानी स्कूल ऐसी जगह है जिनका काम है बच्चों को चीज़ें सिखाना बहुत सारी नई नई इंफॉर्मेशन देना नई नॉलेज और स्किल्स बच्चों को सिखाना तो इस सिखाने के क्रम में स्कूल की बहुत ही खास जिम्मेदारी बनती है और स्कूल फंक्शन करता है एक सपोर्ट देने वाले इंस्टीट्यूशन के रूप में जो कि बच्चों को और इफ़ेक्टिव बनाता है अब स्कूल का रोल में सबसे पहले है करिकुलम डिज़ाइन यानी पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करने का काम स्कूल तय करता है कि क्या सिखाएं बच्चों को स्कूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग द करिकुलम दैट डिफाइंस द कंटेंट स्किल्स एंड लर्निंग आउटकम्स फॉर डिफरेंट ग्रेड लेवल्स यानी कि स्कूल ही जिम्मेदार होता है इस बात को तय करने का कि किस कक्षा के स्टूडेंट्स को किस क्लास के स्टूडेंट्स को क्या चीज़ें सिखाई जाएँ कैसी स्किल्स उनको सिखाई जाए क्या इन्फॉर्मेशन उनको दिया जाए और इस सिखाने का लक्ष्य क्या है फ़ायदा क्या है ये सब सिखाने का ये स्कूल ही तय करता है द करिकुलम शुड इनकॉर्पोरेट अप्रोप्रिएट लर्निंग स्ट्रैटेजीज दैट अलाइन विथ द एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिवस यानी कि करिकुलम इस तरह से डिजाइन किया जाता है स्कूल्स के द्वारा कि जो एजुकेशनल गोल है शिक्षा संबंधी जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो सकें इट शुड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स टू प्लान इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ दैट एकमोडेट डाइवर्स लर्निंग नीड्स एंड स्टाइल्स तो करिकुलम में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि टीचर्स को वो क्या सिखाएंगे टीचर्स क्लास में उसकी एक प्लानिंग करी जाती है ताकि पूरे साल भर में जो करिकुलम बनाया गया है उसका सिलेबस धीरे धीरे वो कंप्लीट हो सके पार्ट पार्ट में करके और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि टीचर्स को जो सिखाना है वो बच्चों की ज़रूरतों को देखते हुए सिखाना है बच्चों के अपने लर्निंग स्टाइल्स को ध्यान में देते हुए सिखाना है फिर इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग स्कूल सपोर्ट टीचर्स इन डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल प्लान्स दैट इंकर्पोरेट वेरियस लर्निंग स्ट्रैटजीज़ तो स्कूल टीचर्स को भी मदद करते हैं उनके इंस्ट्रक्शनल प्लान को डेवलप करने में जिससे कि उनकी लर्निंग स्ट्रैटजीज और बेहतर होती चली जाती है दीज इस्ट्रैटीज़ में इंक्लूड डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक्सपेरेंशियल लर्निंग एंड मोर तो टीचर्स की ये साड़ी की साड़ी जो स्ट्रैटीज़ है नहीं टीचर कौन कौन से तरीके को अपना करके स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएंगे वो साड़ी स्ट्रैटीज़ बहुत ही अलग अलग तरह की होती है और उनमें कॉपरेटिव लर्निंग की बात है स्टूडेंट को कॉपरेटिव एक दूसरे का सहयोग करके भी सिखाने का एक बनाते हैं स्ट्रेटजीज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी रखते हैं कि बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाए उसके आधार पर बच्चे कुछ सीखेंगे एक्सपीरियशियल लर्निंग यानी बच्चे प्रैक्टिकल करके कुछ सीखेंगे लेबोरेटरी में तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ यानी टीचर डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट्स को कैसे कैसे सिखाना है तो ये सारी स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन करने में स्कूल मदद करता है टीचर्स की स्कूल्स प्रोवाइड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू इन्हेंस टीचर्स नॉलेज एंड स्किल्स इन इम्प्लीमेंटिंग दीज स्ट्रैटीज़ इफेक्टिवली तो स्कूल मदद करता है स्कूल एक प्लेटफॉर्म देता है टीचर्स को कि वो अपनी नॉलेज को और प्रैक्टिस कर सकें अपनी नॉलेज को और इन्हांस कर सकें बेहतर कर सकें और अपनी स्किल्स को इस तरह से इम्प्लीमेंट करें कि अलग अलग तरह की उनकी जो स्ट्रेटजीज़ है पढ़ाने की उसको प्रैक्टिकली वो स्टूडेंट्स पर यूज़ uh, कर सकें और स्टूडेंट्स को उसका फ़ायदा दे सकें डिफ़रेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज को अपना करके फिर है टीचर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट स्कूल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग ऑन गोइंग ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू टीचर्स तो स्कूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचर्स को ट्रेंड भी करता है दे ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स सेमिनार्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेशंस टू फेमुलराइज टीचर्स विथ रिचर रिसर्च बेस्ड लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड पेडागोजिकल अप्रोचेज यानी स्कूल्स बीच बीच में वर्कशॉप सेमिनार वगैरह आयोजित करवा करके टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करवाता है जिससे कि टीचर्स को और नए रिसर्च बेस्ड टेक्निक का पता चल सके और वो बेहतर अपनी पढ़ाने की स्किल्स को कर सकें बाई इन्वेस्टिंग इन टीचर्स प्रोफेशनल ग्रोथ स्कूल्स एनश्योर दैट दे आर वेल इक्विप्ड टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज इन द क्लासरूम तो स्कूल टीचर्स की ट्रेनिंग पर इन्वेस्ट करके टीचर्स को और बेहतर बनाते हैं उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ करवाते हैं जिससे कि स्कूल ये चीज़ को लेके श्योर रहता है पूरी तरह से निश्चित रहता है कि उनके टीचर्स पूरी तरह से सक्षम हैं अच्छे से स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं क्योंकि उन्हें बार बार स्कूल की तरफ़ से ट्रेनिंग का मौका दिया जाता है टीचर्स अप टू डेट रहते हैं नई नई टेक्निक्स को नई नई स्ट्रेटजीज़ को अमल करने में वो एक्सपर्ट रहते हैं तो ये भी तो स्कूल की ही कृपा है टीचर्स पर स्कूल ही ऐसा मौका देता है फिर है रिसोर्सेस एंड मटेरियल्स तो स्कूल का एक और रोल है रिसोर्स और मटेरियल्स प्रोवाइड करने में स्कूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट रिसोर्सिस एंड मटेरियल्स दैट फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज यानी कि टीचर्स स्टूडेंट को जो सिखाना चाहते हैं उसके लिए साड़ी की साड़ी फैसिलिटी साड़ा रिसोर्स मटेरियल सब स्कूल ही प्रोवाइड कराता है दे मे इंक्लूड टेक्स्ट बुक्स रिफरेंस मटीरियल्स टेक्नोलॉजी टूल्स मल्टी मीडिया रिसोर्स मैनिपुलेटिव एंड लर्निंग एड्स यानि कि ये जो रिसोर्स और मटेरियल्स है इसमें क्या क्या शामिल है तो टेक्सट बुक यानी किताबें और रेफरेंस मटेरियल साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए किताबों के अलावा फिर टेक्नोलॉजी टूल्स जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड मल्टी मीडिया रिसोर्स जो सारी चीज़ें चाहिए लर्निंग uh, टीचिंग के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए वो सारी रिसोर्सेज स्कूल ही देता है बाय इन्श्योरिंग द अवेबिलिटी ऑफ दीज रिसोर्स स्कूल्स क्रिएट एन एन्वॉर्मेंट कंडक्टिव टू इफेक्टिव लर्निंग एंड स्ट्रेटी इम्प्लीमेंटेशन यानी स्कूल इन सारे रिसोर्सिस को उपलब्ध करा करके एक बहुत ही पॉजिटिव बहुत ही अच्छा इन्वयमेंट तैयार करता है जहाँ की लर्निंग बहुत ही अच्छे से हो सके और जहाँ टीचर्स अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें लागू कर सकें लर्निंग एनवॉर्मेंट schools क्रिएट अ पॉजिटिव एंड inclusive लर्निंग environment दैट सपोर्ट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लर्निंग strategies ये तो हमने अभी भी डिस्कस किया कि स्कूल बहुत ही पॉजिटिव और इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार करके देता है सीखने लायक बेहतर माहौल स्कूल ही प्रदान करता है जिससे कि टीचर्स को अपनी सिखाने की जो उनकी स्ट्रैटीज़ है वो ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाते हैं और बच्चा बढ़िया से सीख पाता अच्छे माहौल में दे establish अ सेफ एंड सपोर्टिव एटमोस्फेयर where स्टूडेंट्स फील encouraged टू टेक रिस्क collaborate एंड engage एक्टिवली इन their लर्निंग तो स्कूल्स एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर सपोर्टिव माहौल बना करके देते हैं स्टूडेंट्स को जहां बच्चे रिस्क लेते हुए साथ में मिलजुल करके नई नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं स्कूल्स प्रमोट अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट टॉलरेंस एंड डाइवर्सिटी फॉस्टरिंग एंड एनवरमेंट वेयर ऑल स्टूडेंट्स कैन थ्राइव यानी स्कूल एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ की अलग अलग कल्चर के बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना सीखते हैं एक दूसरे को सहन करना सीखते हैं और साथ ही साथ इतने डायवर्स माहौल में बच्चे अपने आप को विकसित करना सीखते हैं आपस में मिलजुल करके तो स्कूल का ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि वो बच्चों को वेराइटी अलग अलग टाइप के बच्चों से मिलने जुलने का मौका देते हैं और सबको साथ में मिलजुल करके चीज़ों को सीखने का एक मौका प्रदान करते हैं नेक्स्ट असेसमेंट एंड फीडबैक स्कूल्स इम्प्लीमेंट अ वैरायटी ऑफ असेसमेंट स्ट्रैटीज़ टू इवेलुएट स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस यानी कि स्कूल में पढ़ाई के बाद जो टेस्ट लेना है जो असेसमेंट छात्र कितना सीखे इसको भी टेस्ट करने के लिए स्कूल में ही प्लानिंग करी जाती है दीज एसेसमेंट्स शुड अलाइन विथ द लर्निंग स्ट्रेटजीज एम्प्लॉयड इन द क्लास रूम यानी कि ये जो टेस्ट्स होने वाले होते हैं इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि टीचर्स ने किन मेथड्स का यूज़ करके क्लास में क्या पढ़ाया है तो जो पढ़ाया गया है और जैसे पढ़ाया गया है उसी तरीके का इसमें टेस्ट लिया जाता है ताकि बच्चे उसे परफॉर्म कर सकें और पता कर सके कि कितना सीखे हैं वो बाई यूजिंग फॉर्मेटिव एंड समेटिव असमेंट्स स्कूल्स गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस एंड लर्निंग नीड्स तो फॉर्मेटिव और समेटिव असमेंट पता ही है स्कूल में आपका एफ और ऐसे एग्ज़ाम होता है तो ये इससे इसलिए होता है ताकि पता चल सके कि बच्चे क्या कितना सीखें उनका कौन सा एरिया स्ट्रांग है और कहाँ उनको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है बच्चे की क्या कमी है उसे पूरा करने की बच्चे की क्या ज़रूरत है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा सके इसके लिए टेस्ट लिया जाता है दिस फीडबैक इनफॉर्म्स इंस्ट्रक्शनल डिसीजनस अलॉइंग टीचर्स टू एडजस्ट देयर स्ट्रैटेजीज़ टू मीट इंडिविजअल स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स यानी कि ये जो फीडबैक आता है रिजल्ट जो बच्चे का देखते हैं हम सब फॉर्मेटिव या समेटिव असमेंट में इससे ये पता चलता है कि इस्टूडेंट्स की कमजोरी क्या है और टीचर्स को इस्टूडेंट्स की इस कमजोरी को दूर करने के लिए क्या इस्ट्रेटजीज़ अपनानी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम उसका एवेल्यूशन उसके अससमेंट जब करी जाए तो और बेहतर अच्छा कर सके स्टूडेंट्स collaboration and partnership schools encourage collaborating collaboration among teachers एडमिनिस्ट्रेटर्स स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स तो स्कूल में सच में एक ऐसी जगह है ये जहाँ बहुत सारे लोगों का कोलेब्रेशन होता है बहुत सारे लोग मिलते जुलते हैं और साथ में मिल एक बड़े काम को करते हैं इनमें बहुत सारे लोग शामिल हैं एक तो पहले स्कूल में टीचर्स के बीच आपसी सहयोग होता है एडमिनिस्ट्रेटर्स और टीचर्स के बीच बननी चाहिए अच्छे से स्टूडेंट्स टीचर्स और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ये सब एक स्कूल के परिवार का हिस्सा होते हैं और ये सब मिलजुल करके ही स्टूडेंट्स को डेवलप करने का प्रयास करते हैं देव फॉस्टर पार्टनरशिप्स विथ फैमिलीज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू इन्हांस द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लर्निंग स्ट्रैटीज यानी कि स्कूल जो हैं वो एक तरह से पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं फैमिलीज के साथ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और बाकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उन सब के साथ स्कूल मिल के एक बढ़िया माहौल बनाते हैं जिससे कि लर्निंग को और बेहतर बनाया जा सके लर्निंग स्ट्रेटजीज को और निखारा जा सके कोलेबोरेटिव एफर्ट्स हेल्प अलाइन लर्निंग एक्सपीरियंसेस अक्रॉस डिफरेंट सेटिंग्स एंड एनश्योर कंटिन्यूटी इन स्टूडेंट्स एजुकेशनल जर्नी यानी कि ये जो कोलेबोरेशन कराया जाता है स्कूल की तरफ से टीचर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स पेरेंट्स स्टूडेंट्स इन सब के बीच में इसका फायदा होता है इसका ये फ़ायदा होता है कि कंटिन्यूसली स्टूडेंट जो है उनकी एजुकेशनल जर्नी कंटिन्यू रहते हैं, नहीं लगातार बच्चे सीखते चले जाते हैं नई नई चीज़ों को फिर है मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन स्कूल्स मॉनिटर एंड इवेलुएट इफ़ेक्टिवनेस और लर्निंग स्ट्रेटजीज़ थ्रू कंटिन्यूस असेसमेंट एंड फीडबैक लूप यानी मॉनिटरिंग और यानी ये भी टेस्ट लेने की बात है कि स्टूडेंट स्कूल्स मॉनिटर स्कूल मॉनिटर करते हैं और इवेल्युएट करते हैं मूल्यांकन करते हैं कि कितनी अच्छी तरह से सिखाया गया बच्चों बच्चे कितनी अच्छी तरह से सीख गए स्कूल में उन्हें जो भी सिखाया गया तो इसके लिए लगातार उनका असेसमेंट होता है उनकी टेस्ट होती है और फिर उनको फीडबैक भी दिया जाता है दे कलेक्ट डाटा ऑन स्टूडेंट्स आउटकम्स टीचर प्रैक्टिसेस एंड ओवरऑल स्कूल परफॉर्मेंस तो स्कूल स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करके रखते हैं टीचर उन्हें क्या पढ़ाए इस बात का भी उससे पता चलता है टेस्ट से और बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस का भी अंदाज़ा लगता है दिस इंफॉर्मेशन इनेबल्स स्कूल्स टू आइडेंटिफाई एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट रिफाइन देयर स्ट्रैटेजीज़ एंड मेक एविडेंस बेस्ड डिसीजन्स टू इन्हैंस द लर्निंग एक्सपीरियंस तो ये जो इवेलुएशन के बाद जो ग्रेड्स दिया जाता है स्टूडेंट को इससे ये पता चलता है स्कूल को कि छात्रों के किन भाग पर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है कहाँ बच्चे पीछे हैं और उसके लिए फिर अकॉर्डिंग स्ट्रैटीज़ तैयार करी जाती है उन सारी कमियों को पूरा करने के लिए और ये एविडेंस भी रहता है स्कूल के पास कि पता रहता है उनको कि उनके स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और वो उनको और बेहतर करने के लिए उनको क्या नीतियाँ अपनानी चाहिए इन समरी अब समराइज करें तो स्कूल्स प्ले अ सेंट्रल रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज बाय डिज़ाइनिंग करिकुलम सपोर्टिंग टीचर्स प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज क्रिएटिंग अ कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट एसेसिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस फॉस्टरिंग कोलेबोरेशन एंड मॉनिटरिंग आउटकम्स यानी कि स्कूल्स के बहुत सारे रोल्स हैं जैसे कि हमने देखा इसमें सबसे पहले तो करिकुलम को तैयार करना यानी कि पाठ्यक्रम डिज़ाइन करना कि सिखाना क्या है बच्चों को एक एक हर एक क्लास में ये भी पाठ्यक्रम तय करने का काम स्कूल का ही है फिर टीचर्स को सपोर्ट करना उनको ट्रेंड करना आ, ये भी स्कूल का ही काम है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट टीचर्स को वो रिसोर्सेस देना जिनकी ज़रूरत है उन्हें टीचर्स स्टूडेंट्स uh, को अच्छे से सिखाने में तो रिसोर्स को भी प्रोवाइड करने का काम स्कूल का ही है साथ ही साथ एक कंडक्टिव लर्निंग एन्वायरमेंट बनाना ये भी स्कूल का ही काम है और स्टूडेंट का जो अससमेंट होगा स्टूडेंट कितना प्रोग्रेस कर रहा है इसके लिए टेस्ट पेपर्स तैयार करवाना ये भी स्कूल का ही काम है और सब लोग मिलजुल करके काम करें कोलैबोरेशन करें ऐसी भावना भी बनाना ये स्कूल का ही काम है और ओवरऑल सभी लोग अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे इसको मॉनिटर करना भी स्कूल का ही काम है बाय फुलफ़िलिंग दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्कूल्स कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड प्रमोट स्टूडेंट सक्सेस एंड ग्रोथ यानी कि इन सारी जिम्मेदारियों को पूरा करके स्कूल एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरह से लर्निंग स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करता करने में हेल्प करता है यानी कि किस तरह से छात्रों को सिखाना है इस प्रयास में इस इस स्ट्रैटी को बहुत अच्छे से करवाने में स्कूल का बड़ा योगदान है जिससे कि स्टूडेंट की सक्सेस और स्टूडेंट का ग्रोथ कंटिन्यूसली होता रहता है यानी कि स्टूडेंट के ग्रोथ में स्कूल का भी बहुत बड़ा योगदान है टीचर्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है